हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू की। और स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू में जिन भी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन थी, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ जम्मू की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने स्टार्ट किया। ओके, तो एज यू नो हमारे एंशियंट ट्रेडिशन जो डिस्क्राइब किया गया है राजदर्शनी में, उसके अकॉर्डिंगली अग्निगीर जो कि अग्नि वर्णा जो कि जंगर सन थे किंग सुदर्शना के, और किंग सुदर्शना कौन थे, वो 20th डिसेंडेंट थे इन द लाइन ऑफ रामा ऑफ अयोध्या, मतलब अयोध्या के जो भगवान राम थे उनके 20th डिसेंडेंट थे किंग सुदर्शना, ठीक है। और उनका जो जंगल बेटे थे अग्निगीर, बेसिकली उस टाइम पे वो माइग्रेट हुए थे अयोध्या से और वो पहुंचे थे बैंक ऑफ द रावी इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कठुआ, ठीक है। मतलब रावी नदी के किनारे पहुंचे, तो जो आज के टाइम पे कठुआ नाम से जाना जाता है वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोग थे उनको अपने वश में किया, वहाँ पे उन्होंने अपना जो विलेज थे वहाँ पे अपना राज्य वहाँ पे बनाया और वहाँ पे रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 550 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ राज किया। ओके, और उसके बाद वो उनका बेटे जो थे वायुश्रवा वो गद्दी पे आए, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको सक्सीड किया वायुश्रवा ने, और फिर उन्होंने अपना जो रूल था वो उच्च तक एक्सपैंड किया, ठीक है। फिर उन्हीं के मतलब फिर उनकी डेथ के बाद परमामित्र आ गया, पूर्णकरण आ गया, लाखन मत रोशन और अग्निगर, ठीक है। ये इनके डिसेंडेंट रहे, मतलब इनकी डेथ के बाद ये वो सारे राजा थे जिन्होंने रूल किया, ठीक है। लास्ट वाले जो थे अग्निगर, ये बहुत ही एम्बिशियस थे, अग्निगर वॉज वेरी एम्बिशियस, और इन्होंने अपने 18 बेटों की सहायता से, मतलब उनकी हेल्प से इन्होंने अपना जो रूल था वो तभी तक इन्होंने एक्सपेंड किया। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है, इनके जो बड़े बेटे थे अग्निगर्व के बड़े बेटे का नाम था बहुलोचन, उनकी डेथ के बाद बहुलोचन ने सक्सीड किया और इन्होंने बहु फोर्ट जो है वो बिल्ड किया ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी तवी रिवर। ओके, तो ये क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो बाउ फोर्ट है वो कौन से बैंक पे यू नो बिल्ड किया गया है तवी रिवर के, तो वो है लेफ्ट, ओके लेफ्ट बैंक पे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने जो राज्य था उसको एक्सपैंड करना चाहा टूवर्ड्स मदर देश, मतलब जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न पंजाब है वहाँ तक करना चाहा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहाँ के जो राजा थे सियालकोट के, उन्होंने बहुलोचन को हरा दिया और देन उसके बाद उनको मार दिया। ओके, तो बहुलोचन के बाद उनके जो जंगल ब्रदर थे जम्बुलोचन, उन्होंने सक्सीड किया, उन्होंने राजपाट संभाला और देन उसके बाद उन्होंने फिर से यू नो लड़ाई की मादर देश, मतलब जो सियालकोट के राजा से चंद्रहास, उनके साथ लड़ाई की, फाइनल उनको हराया और उनकी टेरिटरी को मतलब कब्जा करके अपने साथ जो है मतलब अप टू सिंध तक उन्होंने अपना रूल जो था वो एक्सपेंड कर दिया। ओके, और जम्बू जो लोचन थे उस टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर बन गया अपने रीजन के, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, एक बार वो मतलब शिकार पे गए हुए थे अक्रॉस रिवर तवी, तो वो एक चीज़ देख के बहुत हैरान हो गए, उन्होंने क्या देखा कि एक शेर और एक बकरी जो है वो एक सेम तालाब में जो थे वो पानी पी रहे थे, और तब उन्हें कि ख्याल आया, एक सोच है कि ये जो जगह है इस पर पक्का कोई गुणवान चीज़ है, मतलब इस जगह में की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है कि यहाँ पर दो एक यू कैन से मतलब दोनों जो एक दूसरे के दुश्मन है, दूसरे के नहीं एक ही दुश्मन है फिलहाल, तो मतलब वो सेम तालाब से पानी पी रहे हैं। तो देन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस जगह पर एक मतलब टाउन जो है वो बसाया और देन उसको उसको नाम दिया जम्बूपुरा, ठीक है। और जम्बूपुरा जो था लेटर ऑन बनते बनते मतलब जम्बूपुरा का जम्बू बना, फिर जम्बू बना, देन आज के टाइम में प्रेजेंट है जो जम्मू है, ठीक है। जम्मू का जो नाम है बेसिकली वो जम्बू लोचन राजा के नाम पर रखा गया। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं जम्बू लोचन का, जम्बू लोचन को सक्सीड किया पूरनकरण ने,
ओके तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेन मेन जो राजा हैं उन उनको किसने सक्सीड किया, मतलब उनके बाद कौन आया, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरनकरण ने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट कर दी कैपिटल फ्रॉम बाहू टू जम्मू। ओके तो पूरनकरण के बाद धर्मकरण, किरवकरण, अग्निकरण ये सारे ही आए। ओके अब नेक्स्ट जो थे वो थे शक्तिकरण। तो शक्तिकरण ने क्या किया, ही अनवेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। तो फाइनली जो डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो शक्तिकरण ने इन्वेंट किया है। तो सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो किन्होंने इन्वेंट किया, वो है शक्तिकरण। तो फाइनली इन्होंने अपना जो रूल है वो बनिहाल एरिया तक एक्सपेंड किया। शक्तिकरण के बाद शिव प्रकाश जो थे वो आए, और ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, पर्टिकुलर डायनेस्टी। ओके तो वो थे शिव प्रकाश। तो शिव प्रकाश को बेसिकली क्या हुआ, जो राजा साल थे सियालकोट के, उन्होंने इनको हराया और इनके राज्य को कब्जा कर दिया। ओके अब बात आती है कि राजा साल जो थे वो कौन थे, वो एक वो मैटरनल अंकल थे पांडवास के, और इनकी डेथ हुई थी महाभारतावार में, ठीक है। तो उस टाइम पे जम्मू जो था वो बबरू बहान जो कि अर्जुन के बेटे थे वो उस टाइम पे वो रूल कर रहे थे, और ही डिसेंडेंट रूल, उन्होंने अराउंड 500 साल तक वहाँ पे रूल किया, ठीक है। और उनके टाइम पीरियड में जो जम्मू की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, बेरान जैसे बन गए थे आप लोग कह सकते हो। उसके बाद ज्योति प्रकाश और सर प्रकाश ने क्या किया, जम्मू को फिर से जीत लिया। ये बेसिकली लोकल लोग थे, मतलब लोकल डिसेंडेंट थे शक्तिकरण के, शिव प्रकाश के, ठीक है। तो इन्होंने 6th सेंचुरी BC तक इन्होंने रूल किया, और इनका जो लास्ट किंग थे वो थे बालीकरण। ओके नेक्स्ट बात, अब देखो वो पोर्शन था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब मेन हम बात करेंगे डायनेस्टीज की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही हैं जम्मू हिस्ट्री में, अब हम उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग पीरियड था, वो था 500 BC से लेकर 143 BC तक ये रन आउट हुई। ओके तो सबसे पहले जो किंग की बात है वो है राजा बोध अर्जुन, ठीक है। राजा बोध अर्जुन की बात करें तो एक बहुत एक ग्रेट वॉरियर थे, कंकरर थे। इन्होंने क्या किया कि जितने भी चीफ्स थे, मतलब जितने भी सराउंडिंग एरियाज के वहाँ पे चीफ्स थे, इन्होंने सबको हराया और सबके एरियाज को हथिया लिया, और इन्होंने 80 साल तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद राजा बोध अर्जुन की जो डायनेस्टीज थी, इस डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट 357 ईयर तक रूल किया, और उसके बाद मतलब जितने भी लेटर ऑन जो किंग थे उस दौरान, मतलब राज्य में बहुत सारी उथल पुथल जो थी होती रही। तो लेटर ऑन क्या हुआ, राजा मंगलचंद जो थे उन्होंने जम्मू को ऑक्यूपाइड किया आफ्टर किलिंग द 7th, ये डिसेंडेंट होगा, सॉरी ये डिपेंडेंट लिख दिया, ये डिसेंडेंट होगा ऑफ राजा बोध अर्जुन। ओके मतलब बोध अर्जुन के जो 7वीं पीढ़ी के जो राजा थे, तो राजा मंगल सिंह ने क्या किया, उनको मारा और फिर जम्मू को ऑक्यूपाइड कर लिया। ओके देन उसके बाद बानुजग जो थे ऑफ वर्क, देन इन्होंने फिर किल किया, इन्होंने मारा मंगलचंद को, और उसके बाद एंड ट्राई टू रिस्टोर ऑर्डर बट फेल। फिर उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, मतलब जो भी ऑर्डर थे, जो भी सिचुएशन थी जम्मू की, इन्होंने ट्राई की उस चीज़ को सॉल्व आउट करने के, लेकिन फेल हो गया। ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, राजा भूमदत्त एंड हिज 6 डिसेंडेंट कुड नॉट रिस्टोर पीस, जम्मू वॉज रिड्यूस्ड टू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। दसवर्ड देखो ये इन चीज़ों की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कहानी है, इसको छोड़ो। और देन उसके बाद है एक लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स फ्रॉम दामोदर दत्त टू नंद गुप्ता रूल्ड जम्मू फ्रॉम गंधारा। देखो फाइनली क्या है कि कहता है कि एक बहुत लंबे लाइन राजाओं की, दामोदर दत्त से लेकर नंद गुप्ता तक इन्होंने रूल किया जम्मू में। नेक्स्ट आता है एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन 326 BC। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था, 326 BC में। ओके तो उस टाइम पे कहते हैं कि दामोदर दत्त के जो 7th डिसेंडेंट थे राजा अजय सिंह, वो रूल कर रहे थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा आपका, कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इन 326 BC में, उस टाइम पे जम्मू के राजा कौन थे, ठीक है। और कभी कभी ये भी आता है कि अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था। ओके तो फाइनली क्या हुआ कि ही वॉज राजा पोर सन इन लॉ एंड पोर
ये जो राजा अजय सिंह थे ये पोरस का सन इन लॉ थे। इन्होंने ये क्या कर रहे थे, अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़े ये मतलब पोरस के साथ मिलकर, और आफ्टर बट इनकी बैटल में डेथ हो गई, और अजय सिंह के बाद इनके जो बेटे थे विजय सिंह वो गद्दी पे बैठे, और इन्होंने जेलम तक अपना जो रूल था वो एक्सपैंड किया, और हिज डिसेंडेंट राम गुप्ता कंस्ट्रक्टेड रामगढ़ फोर्ट एंड स्टार्टेड रामगढ़िया राजपूत क्लैन। ठीक है, मतलब इनके जो डिसेंडेंट थे राम गुप्ता उन्होंने रामगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया और रामगढ़िया राजपूत क्लैन जो थी उन्होंने स्टार्ट की। ओके, नेक्स्ट है आपका राय डायनेस्टी। ओके, सो राय डायनेस्टी जो थी इसकी जो शुरुआत रही अबाउट 50 BC में इसका स्टार्टअप हुआ, एंड राय डायनेस्टी ऑफ सियालकोट इन्होंने क्या किया, मतलब अराउंड 50 BC में सियालकोट ने जम्मू को अपने किंगडम में मिला दिया। ठीक है, देन उसके बाद अदी राय जो थे इंडिपेंडेंट रूलर थे जम्मू के, और टाइम पीरियड रहा ये 58 BC से लेकर 10 BC तक। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टाइमिंग जो रहती है, मुझे एक चीज़ पता है कि टाइमिंग किसी को याद नहीं रहती, मैक्सिमम याद नहीं रहती, तो ये चीज़ टफ होती है ना, उसको छोड़ दिया करो। और सबसे दूसरी चीज़ छोड़ने का मेरा ये मकसद है कि बहुत बार जो डेट्स होती हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते भी नहीं है, एक दो ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अधिराय के बाद अब बारी आई देवराय की। ठीक है, और देवराय जो थे बेसिकली इनके एंड्रॉय के 12 डिसाइपल जो थे, 12 डिसाइपल क्रिस्ट वो इनके कोर्ट में आए थे, और इन्होंने इनके बेटे को मतलब देवराय के बेटे की डिजीज को अपने प्रेयर के साथ ठीक किया था। देवराय, यहाँ से आपका फोर्थ क्वेश्चन निकलता है कि एंड्रॉय के जो डिसाइपल थे क्रिस्ट वो किन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, मतलब उन उन्होंने किसके बेटे को, किसकी बेटे की बीमारी को ठीक किया था, तो वो थे देवराय। ओके, देन उसके बाद गंधर्व कदम करम राय। ठीक है, करम राय ने अपनी बेटी न्यू बॉर्न बेटी को जिंदा जो था वो मतलब दफना दिया था, और इस ट्रेडिशन को उन्होंने स्टार्ट किया था राजपूत हिल्स में। और उसके बाद खीर राय, खखर राय, सिंध राय, जगत राय, दुध राय, ये सभी जो थे राजा रहे उनके बाद, और फाइनली योग राय। ठीक है, और इनके योग राय के दो बेटे थे, एक थे मलहान सिंह और दूसरे थे सूरजदार। मलहान हंस जो थे, सॉरी मलहान हंस जो थे वो सियालकोट की तरफ चले गए, और वहाँ पर उन्होंने मनहास ट्राइब्स ऑफ राजपूत को फॉर्म किया, राइट। देन उसके बाद उनके जो जंगल बेटे थे सूरजदार, ये उस टाइम पे फिर जम्मू के जो रूलर बने। ओके, अब राय डायनेस्टी के बाद स्टार्ट होती है दार डायनेस्टी। ओके, सो दार डायनेस्टी एज यू नो दैट कि सूरजदार जो थे फर्स्ट किंग इसके, और इनका जो टाइमिंग पीरियड था, इनका रूलिंग पीरियड था, वो था 430 AD से लेकर 485 AD तक इन्होंने रूल किया। सूर्यदार के बाद गंगादार, ठीक है, और उसके बाद देवालादार, उसके बाद सर्वियादार। ठीक है, ओके, आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वियादार, और क्वेश्चन आता है इनके एक्चुअली इनके टाइम पीरियड के रूलिंग पीरियड के दौरान पीर रोशन शाबली एक मुस्लिम सेंट थे, वो अरब से आए थे। ठीक है, और वो सेटल हुए घुमट में। तो ये क्वेश्चन आता है कि पीर रोशन शाबली जो थे ये किनके शासनकाल में आए थे, मतलब उस टाइम पे कौन किंग था, वो थे सर्वियादार। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक। देन उसके बाद किरेदार, अजयदार, विजयदार। ठीक है, विजयदार के बाद वजरदार ये आए, और फाइनली क्या हुआ कि ये जो लास्ट वाला रूलर था ये जितने भी उस टाइम पे अटैक्स वगैरह हो रहे थे उसको हैंडल नहीं कर पाए, और फाइनली ये भाग गए, और गर बबोर जो थे वहाँ पे भाग गए, एंड वहाँ पे ये 5850 AD तक रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने वाला, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको। देखिए उसके बाद मेन शुरू होता है आपका देव डायनेस्टी। सो देव डायनेस्टी जम्मू हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी भी यही है देव डायनेस्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं से निकलते हैं आपके मैक्सिमम। रिसेंट पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे थे मैंने बता दिया आपको। देखिए अब देव डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई वो 840 AD से लेकर 1816 AD तक इनका जो रूलिंग पीरियड था वो चला। ओके, तो इनके जो फर्स्ट स्टार्ट देव डायनेस्टी को स्टार्ट करें तो वजरदार के जो सक्सेसर थे सूरज देव, वो पहले राजा थे जम्मू के ऐसे जिन्होंने देव सरनेम को यूज़ किया था। ठीक
ठीक है, मतलब वज्रदार, आप जैसे मैंने बताया कि वो बाघ ये जो भी है। उसके बाद सूर्यदेव जो थे वो आए, ठीक है, और उसके बाद सूर्यदेव के साथ जो देव डायनेस्टी थी वो यू नो वो पावर में रही टिल 1860 AD तक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। सो सूरज देव की अगर हम बात करें तो सूर्य देव ने इनका जो टाइमिंग पीरियड था, इनका जो रूलिंग पीरियड था सॉरी, वो था 480 AD से लेकर 1912 AD तक इन्होंने रूल किया, और इन्होंने बाबूर से रूल किया। ये बहुत ही वाइज, ब्रेव, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ट्रेडिशनल चल रही थी, इन्होंने उसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारी चेंजेस की, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्रेंड आर्मी को रेज किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा किंग था जिसने ट्रेन आर्मी जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल रेज अप की थी, वो थे सूर्यदेव। ओके, तो फाइनली क्या हुआ कि ये एक सलिया किंग थे, इनके फ्रेंड सियालकोट के, ये उनकी हेल्प के लिए गए थे, लेकिन फाइनली सूर्यदेव को वहां पर कैप्चर कर लिया गया और इनको जिंदा जला दिया गया उस टाइम पे, ठीक है। और किसने जलाया था, वो जलाया था इनको शरीफ खान ने, ठीक है। उसके बाद इनकी एक वाइफ थी नीला रानी, उन्होंने सती, वो सती हो गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नीला रानी जो थी वो किन की बीवी थी, ठीक है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने कमिट किया था, किसकी वाइफ ने सुसाइड, सती कमिट किया था डेथ के बाद, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट सूर्यदेव के बाद आता है आपका भूजदेव, और इनका जो रूलिंग पीरियड रहा वो था 912 AD से लेकर 982 AD तक चला। ओके, तो ड्यूरिंग हिज टाइम नसरुद्दीन रिट्रीटेड, बट इन अनदर बैटल ही फाउट अगेन सबुकतगीन ऑन जयपुरा साइड एंड जयपाल साइड एंड वाज किल्ड। देखिए पहले कहते हैं इनके ड्यूरेशन में, मतलब इनके टाइम पीरियड में नसरुद्दीन जो थे वो कोई इन्वेडर होंगे, वो आए, इन्होंने उसको मिलकर इन्होंने उसको यू नो भगा दिया। बट हुआ क्या कि सेकेंड टाइम ये सबुकतगीन जो थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे जयपाल की साइड से, तो वहां पर इनकी डेथ हो गई। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका अवतार देव, तो इनका टाइमिंग रूलिंग पीरियड 982 AD से लेकर 1030 AD तक रहा। और जैसे कि यहाँ इन्होंने कहा है, आफ्टर भूजदेव इज ब्रदर अवतार सिंह असेंडेड द थ्रोन, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके महमूद ऑफ गजनी वेडेड इन जम्मू फर्स्ट टाइम हिज सन मसूद बीट अ पेस्ट्री रिटेड अगेन कंबाइंड रेजिस्टेंट ऑफ ऑल। ओके, तो मैं सिंपल आता हूँ आपको, देखिए इसमें इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकलता है कि महमूद ऑफ गजनी ने किन के टाइम पीरियड में इन्वेड किया था जम्मू में, वो थे अवतार देव, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हुआ क्या था कि इनके बेटे मसूद जो थे वो पहले जब इन्होंने इन्वेड किया तो क्या किया, अवतार देव मिलके मतलब जम्मू के सभी राजाओं ने मिलकर उस टाइम पे इनको एक मतलब शिकस्त दी, इनको भगा दिया, ठीक है। लेकिन फाइनली सेकेंड टाइम क्या हुआ, ये मसूद इन्होंने फिर से इन्वेड किया, ठीक है, मोहम्मद गजनी और इनके जितने भी साथी वगैरह थे इन्होंने फिर से इन्वेड किया, और दूसरे टाइम इन्होंने मतलब लूट पाट के ले गए, मतलब 300 कैमल्स लोड्स ऑफ बूटी, बूटी कहते हैं खजाने को, ठीक है, मतलब 300 कैमल इन्होंने भर के जो खजाना था वो लूट के चला, यहाँ से चले गए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट निकलता है। उसके बाद अवतार देव के बाद आता है आपका जसदेव, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1030 AD से लेकर 1053 AD तक। ओके, तो ये बेसिकली जसरोटा टाउन और जसरोटी क्लैन के फाउंडर हैं। तो इन्हीं ने काली देव ऑफ बहु फोर्ट, ठीक है, वरुण देव, इनकी पूजा जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। इनके बाद बात बात आती है संग्राम देव की, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1053 AD से लेकर 1094 AD तक रहा, और इन्होंने कश्मीर के राजा को उस टाइम पे हराया था दिलावर में, जिनका नाम था अनंत, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रजदेव, ठीक है, और ब्रजदेव जो थे बेसिकली ये एलाई बन गए थे मोहम्मद गोरी के, यू कैन से कि इनके फ्रेंड एक तरह के बन गए थे, और ये लड़ रहे थे मोहम्मद गोरी की तरफ से अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन द बैटल ऑफ तेरान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे बैटल ऑफ तेरान फोर सेकेंड, ठीक है, ये जो बैटल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आता है आपको कि जो ब्रजदेव थे वो किन की साइड से लड़ रहे थे और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे,
ओके। और आपके जो प्रेजेंट डे विजयपुर है ना, ये इन्हीं के नाम पे, यही इस यही फाउंडर है, ठीक है, विजय देव भी इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंह देव, और इनका रूलिंग पीरियड 1250 एडी से लेकर 1258 एडी तक। ये बेटे थे ब्रजदेव के, ठीक है, और कहते हैं कि राजदर्शनी, जो कि हमारी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक है, यहाँ से बेसिकली हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये सारी के सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं से ली गई हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो ब्रदर थे खांडे राव, इनकी जो डेथ थी वो नरसिंह देव के हाथों हुई थी इन दी बैटल ऑफ तेरान। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे हम योध देव की, और योध देव का जो टाइमिंग रूलिंग पीरियड था वो 1330 AD से लेकर 1361 AD तक रहा। जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का रूल था। ओके, और व्हेन सादेवा द रूलर ऑफ कश्मीर फ्लेड टू किश्तवाड़। ओके, ये सादेवा बेसिकली, जब आप हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ोगे, ये मैं उसमें तब आपको बताऊंगा, सादेव बेसिकली एक रूलर थे उस टाइम पे, एक हिंदू रूलर थे। तो इनके टाइम ड्यूरेशन में एक डुलुचू नाम का एक इन्वेडर था जिसने इन्वेड किया था उस टाइम पे कश्मीर में। तो फिर उसने क्या किया कि लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया, वहाँ की फसल, मतलब पूरे के पूरे किंगडम को तहस नहस कर दिया। तो वहाँ के किंग थे ये शादी, ये क्या किया इन्होंने, ये भाग गए वहाँ से, ये किश्तवाड़ चले गए। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था रामचंद्रा। तो रामचंद्रा ने अब दो बंदों की हेल्प ली, एक शामीर और दूसरे रिनचिन, उनकी मदद से इन्होंने उसके खिलाफ लड़ा, ठीक है। फाइनली ये हम इसका डिटेल में बात करेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि सादेव जो मतलब रूलर थे कश्मीर के, वो किस पर आए थे, बेसिकली योधेव ने उनको सस्टेन किया था और उनकी हेल्प की थी, ठीक है। और देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग मालदेव की। तो मालदेव का रूलिंग पीरियड जो है वो 1361 AD से लेकर 1400 AD तक रहा। और यू कैन से ये ही वॉज द हीरो ऑफ डोगरी बैलेट्स, ठीक है, जैसे शक्तिकरण ने इन्वेंट किया था ना, ये भी डोगरी बैलेट के हीरो थे। यू कैन से ही शिफ्टेड द डोगरा कैपिटल टू जम्मू, इन्होंने डोगरा कैपिटल को जम्मू में शिफ्ट किया। और राजा मालदेव बेसिकली पावरफुल किंग थे, इन्होंने मतलब बहुत ग्रेट एफर्ट्स किए सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड में जो तो इकोनॉमी थी रीजन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और इनके टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन अभी ये आता है कि किन के टाइम किन किस रूलर के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो वो है मालदेव, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है ही इरेक्टेड ए बिल्डिंग, इन्होंने पुरानी मंडी जो बिल्डिंग है ना, बेसिकली ये इन्होंने बनाई थी, ठीक है। एंड इन्होंने वो बनाई, बट उस टाइम पे उसका नाम था माल मंडी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैमूर इन्वेजन, तैमूर ने इन्वेड किया था मालदेव के रूलिंग पीरियड के दौरान। ओके, बट हुआ क्या था कि ये टुक प्लेस ड्यूरिंग रीजन एंड डोगराज ने उस टाइम पे इनको मतलब टफ फाइट जो थी वो दी थी। और उसके बाद मतलब ही अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद मालदेव एंड रिट्रीटेड आफ्टर प्लांटिंग विलेजेस। ओके, तो नेक्स्ट, बट देयर आफ्टर द रूलर ऑफ जम्मू रीनेम्ड वेजल। ओके, तो हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम तो तैमूर को उन्होंने एक अच्छी खासी टफ फाइट दी, बट फाइनली हुआ क्या कि इन्होंने तैमूर ने वहाँ उस मतलब पूरे के पूरे विलेजेस को लूट पाट के चले गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी रूलर्स थे जम्मू के वो मतलब एक कठपुतली बन के रह गए मुगल्स के, ठीक है। और ये जो मतलब जो इस तरह से जो कहानी चलती रही, ठीक है, वो 80th सेंचुरी तक जो थी वो चलती रही, 18th सेंचुरी तक। नेक्स्ट बात आती है हमीर देव की। तो हमीर देव का जो रूलिंग पीरियड था वो 1400 AD से लेकर 4023 AD तक रहा। और जब ये रूल कर रहे थे जम्मू में, उस टाइम पे मोहम्मद तुगलक जो थे वो रूल कर रहे थे दिल्ली में, और अली शाह जो कि सिकंदर के बेटे थे वो कर रहे थे कश्मीर में। ओके, तो ही स्ट्रगल टू एलिब्रेट द खोखर मेनांस बाई हेल्पिंग अली शाह टू रिगेन हिज थ्रोन कश्मीर फ्रॉम शाही खान।
देखिए तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, ये स्ट्रगल कर रहे थे खोखर मीनार्स को एलिमिनेट करने के लिए, और इस चीज़ को मतलब इसके एलिमिनेशन में ये हेल्प कर रहे थे अली शाह की, ताकि मतलब अली शाह जो कश्मीर का थ्रोन थे उसको रिगेन करना चाहते थे शाही खान से, और शाही खान को असिस्ट कौन कर रहा था, खोखर चीफ जशरथ खोखर। ये जशरथ खोखर एक बहुत बड़ा योद्धा था बेसिकली, ठीक है, तो ये असिस्ट कर रहा था शाही खान को उस टाइम पे। हमीर देव के बाद अजब देव आए, इनका रूलिंग पीरियड 1423 AD से लेकर 1454 AD तक रहा, और ये भी बहुत ग्रेट वॉरियर थे। इन्होंने अपने जो मतलब किंगडम था गुजरात तक एक्सपेंड किया, और फिर उन्होंने क्या किया, जैनुल अबिदीन जो थे कश्मीर के, इन्होंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर दी, और मतलब खोखर ट्रबल से ये सेफ हो। तो अजब देव के बाद वेरम देव जो थे वो पावर में आए, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1453-54 AD से लेकर 4089 AD तक इन्होंने रूल किया। और जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे, सेम टाइम में बहलोल लोधी जो थे वो दिल्ली में रूल कर रहे थे, ठीक है। और फाइनली इन्होंने क्या किया, बहलोल लोधी जो थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया जशरथ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जो कि खोखर चीफ था। तो फाइनली उसका मर्डर कर दिया गया, और ड्यूरिंग हिज रिजीन शायद कुछ आलम जो थे वो जम्मू में आए थे फ्रॉम शब्स बार। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। शायद कुतुब आलम बेसिकली एक फ़कीर थे, ये भी एक फ़कीर थे जो शब्दवार थे आए थे, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स को अपना फॉलोअर्स बनाया। ये बहुत ही मीठी जुबान के फ़कीर थे, और इसीलिए इनके जो डिवोटर्स जो थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, ये इनको पीर मिठा कहते थे, ठीक है। और ये जगह आज भी है जम्मू में, मैं आपको बता दूँ, और बहुत फेमस है, ठीक है। और इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और पीर योगी थे जिनका नाम था योगी गरीब दास, और ये वहाँ पर जमावंत केव थी एक खूह में वहाँ पे रहते थे, जिसका नाम है आज जिसे पीर खो नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो ये भी एक जगह है, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है जम्मू में, ठीक है। आपके दो क्वेश्चन जो है वो भैरव देव की यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट है गोगोर देव, और इनका रूलिंग पीरियड 1500 से लेकर 1530 AD तक इन्होंने रूल किया, और इन इस टाइम बाबर रुको पाए दिल्ली एंड आगरा। इन्होंने क्या किया, बाबर के साथ फ्रेंडशिप कर दी, उनको गिफ्ट वगैरह भेजने शुरू कर दिए, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी उनके मतलब साथ, और इन्होंने इश्खानिया राजपूत क्लान को इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके सॉरी, एक्चुअली ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी उनके लिए, और इन्होंने इनको एक टाइटल भी मिला था इशा खान का, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कपूर देव, और कपूर देव का जो रूलिंग पीरियड था 1530 AD से लेकर 1571 AD तक इन्होंने रूल किया, और इनके दो बेटे थे, एक यज्ञदेव एक थे स्मैल देव, और दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, मतलब अलग अलग रानियां थी लेकिन पैदा एक ही दिन हुए थे। सो इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को दो पार्ट्स में बांट दिया, जम्मू और बाहू में। तो जम्मू जो था जगदेव को बाहू दे दिया, और स्मैल देव को जम्मू दे दिया, ठीक है। यज्ञदेव का जो रूलिंग पीरियड था 1571 AD से लेकर 1590 AD तक रहा, और ये जगदेव जो थे ये बेसिकली इनकी हत्या कर दी गई, और मुगल हकीम ऑफ सियालकोट सदी खान ने कॉन्स्पिरेसी बाय लाल देव। ओके सो इनके एक्चुअली इनके एक ब्रदर थे, हाफ ब्रदर लाल देव ने मतलब सदी खान के साथ मिलकर इनको मरवा दिया। देन उसके बाद बारी आती है स्मैल देव की, तो ये एक बहुत सिंपल माइंडेड पर्सन थे, तो ये तो एम खुद ही मतलब पीछे हट गए होंगे या इनको मरवा दिया गया होगा। स्मैल देव के बाद बात आती है संग्राम देव की, तो इनका रूलिंग पीरियड 1594 AD से लेकर 1626 AD तक रहा। ये फेवरेट थे मुगल किंग जहांगीर के, और मतलब बहुत सारा फेवर जो है इन्होंने उनसे लिया, ही कंपनीड मुगल फोर्सेस ऑन मैनी एक्सपीडिशंस एंड ओके तो चलो छोड़िए इसको, मतलब इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी उनके खिलाफ। संग्राम देव के बाद बात आती है भूपत देव की, तो ही वाज शाहजहां उस टाइम पे शाहजहां जो थे वो रूल कर रहे थे।
ये इम्पॉर्टेंट है, कंटेम्परेरी जो राजा थे बेसिकली, ठीक है, हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे इंडिया में किसी और का रोल था, दिल्ली में किसी और का रोल था, ठीक है, ये तो कंटेम्परेरी उस टाइम पे किन का रोल था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा हुआ। ओके, तो भूपत देव के बाद बात आती है हरिदेव की, और हरिदेव का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1656 AD से लेकर 1692 AD तक। ये मनसबदार थे औरंगजेब के, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ, तो मनसबदार एक्चुअली एक पोस्ट होती है आर्मी में, ठीक है, ये वो थे। और उसके बाद बात करते हैं गजय सिंह की, तो गजय सिंह का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1692 AD से लेकर 1703 AD तक रहा, एंड कैरियड ऑन द वर्क ऑफ हिज फादर विद, और सेम ये इनके जो फादर काम कर रहे थे औरंगजेब के साथ, इन्होंने भी वही सेम काम को कंटिन्यू रखा। और इन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह केम टू जम्मू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो किन के रूलिंग पीरियड में जम्मू आए थे, तो वो थे गजय सिंह। ओके, देखिए क्वेश्चन लेक्चर के साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो गजय सिंह के बाद बात आती है ध्रुवदेव की, और इनका रूलिंग पीरियड जो था वो था 1703 AD से लेकर 1733 AD तक इनका रहा। तो फाइनली ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने, मतलब इनके पूर्वजों ने जो भी योग पहनी हुई थी, मतलब जो भी मुगल्स के साथ काम कर रहे थे, इन्होंने उस चीज़ को फेंक दिया और ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गए, ठीक है। इन्होंने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया फ्रॉम मुगल्स एंड उनकी मदद की अगेंस्ट मुगल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि बंदा बहादुर को शेल्टर किन्होंने दिया था, वो थे ध्रुवदेव, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने टेरिटरी को स्ट्रांग किया और एक पावरफुल राजा बन के उभरे। इन्होंने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को बिल्ड किया, और अपने जो अपना जो पैलेस था माल मंडी, जो आज के टाइम पे पुरानी मंडी जिसको कहा जाता है, उसको न्यू कम्प्लेक्स में इन्होंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट आता है, इनके चार बेटे थे और एक बेटी थी। और अब बात करेंगे हम महाराजा रणजीत सिंह की, और ये बेसिकली ध्रुव देव के बड़े बेटे थे। ओके, तो इनका रूलिंग पीरियड हम जान लें पहले, 1733 AD से लेकर 1782 AD तक इन्होंने रूल किया, और ये मोस्ट नोटेबल रूलर थे जम्मू के बिफोर गुलाब सिंह। ओके, गुलाब सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सिकरोल में, और कहा जाता है कि गुलाब सिंह के पहले ये जो थे महाराजा रणजीत देव, ये नोटेबल रूलर थे जम्मू के। इन्होंने क्या किया, जम्मू को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है, और बेसिकली ये दो बार पकड़े गए मुगल द्वारा उनके कमांड्स ना मानने के लिए, और सेकेंड टाइम बाय फॉर लूटिंग ए कारवन, ठीक है, नेक्स्ट, बट दोनों टाइम इनको रिलीज़ कर दिया गया नेगोशिएशन के थ्रू। और नेक्स्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, और इन्होंने अपना जो रूल था वो हिल्स एज वेल एज प्लेन्स तक इन्होंने एक्सपेंड किया, और ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 22 हिल्स को जीत लिया, मतलब अपने 22 हिल्स को जीत के अपने राज्य के साथ मिला दिया। ओके, और इनके टाइमिंग पीरियड में, मतलब जो भी एरा था, जो भी टाइम पीरियड था, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत खुशहाल था उस टाइम पे, और सभी रिलीजन को एक जैसा इक्वली ट्रीट किया जाता था उनके टाइम पे। तो नेक्स्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राज दर्शनी रंजीत देव हैड एनफोर्स लैंड ऑर्डर वेरी इफेक्टिवली। तो सो राजदर्शनी के अकॉर्डिंगली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये बहुत इफेक्टिव रूलर थे, तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लॉज जो थे वो इन्फोर्स किए अपने किंगडम में। देन उसके बाद जम्मू वॉज कॉल्ड दारुल अमन, मतलब एडोब ऑफ पीस उस टाइम पे इनके टाइमिंग पीरियड में कहा जाता था जम्मू को। रंजीत देव ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, और इन्होंने सती पर इम्पोस्ड जो थी एक बैन जो था वो भी इम्पोज किया था, और फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो मतलब बच्चों लड़कियों को छोटी उम्र में जो मार देते थे, जमते ही मार देते थे, इन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी बैन लगाया। नेक्स्ट ये डोगरी पॉइट भी थे और एंड स्कॉलर पंडित देवदत्त स्टेट। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पंडित देवदत्त जो थे वो किन के मतलब कोर्ट में रहे थे, रणजीत है। ओके, नेक्स्ट आता है, इन 1771 देवदत्त ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मतलब वरुण प्रभा जो थे, इन्होंने
दत्त ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा, वरुण दत्त ने ट्रांसलेट किया था वरुण प्रभा जो कि महाभारत की, उसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। देन इसके बाद इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ वगैरह, मतलब ये मतलब एक रिफॉर्मिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, ब्रेव ब्रेव रूलर थे। और देन उसके बाद जॉर्ज फॉस्टर, ये इन्होंने ये जम्मू विज़िट किया था इन्होंने आफ्टर रणजीत देव डेथ, मतलब रणजीत देव की डेथ के बाद जॉर्ज फॉस्टर जो थे वो जम्मू आए थे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत देव द ग्रैंड्योर ऑफ द जम्मू राज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मतलब उनकी डेथ के बाद जम्मू का जो किंगडम था, जो भी मतलब प्रॉस्पेरिटी या जो भी उस टाइम पे खुशियाँ थी, पीस अमन था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो रणजीत देव की जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1781 या 82 में हुई थी। और उसके बाद द वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड बिटवीन ब्रजराज देव एंड दलाल सिंह। ओके, तो इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनके दो तो बेटे थे ब्रजराज और दलाल सिंह, ठीक है, तो इनके बीच में यू नो राजा बनने के लिए वो लड़ाई जो थी वो स्टार्ट होगी, वॉर ऑफ सक्सेशन जो थी वो स्टार्ट होगी। और फाइनली क्या हुआ, ब्रजराज जो थे वो गद्दी पे बैठे, ठीक है, सॉरी ब्रजराज सक्सीडेड हिम, ही आज हिज कज़न मियान मोटो टू किल्स ब्रदर एंड राइवल दलाल। ओके, ब्रजराज जो थे वो गद्दी पे बैठे, और इन्होंने क्या किया, अपने कज़न मियान मोटो को बोला अपने ब्रदर को मरवाने के लिए, मतलब दलाल सिंह को मरवाने के लिए मियान मोटो को इन्होंने बोला, मियान मोटो बेसिकली इनका कज़न ही था। ओके, तो मोटो ने क्या किया, या मतलब चरण पादुका में दलाल सिंह को मार दिया जबकि वो मतलब वैष्णो देवी जा रहे थे। ओके, सो दलाल सिंह के जो बेटे थे, छोटा बेटा था जीत सिंह, वो पंजाब आ गया। ओके, तो ब्रजराज जो थे वो बहुत ही वीक रूलर था, और अंडर हिम पावर एंड इकॉनमी, मतलब उनके पावर के उनके उनके रूलिंग पीरियड के दौरान इकॉनमी जो थी जम्मू की बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। एंड इट वॉज ड्यूरिंग इस पीरियड इन 1788 दैट महासिंह शुक्राचार्य अटैक जम्मू एंड किल्ड हिम। ओके, तो हाउएवर फाइनली क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मियान मोटो की एफर्ट्स के दौरान जो कि गवर्नर ग्रेट जनरल था उस टाइम पे, उन्होंने मतलब द किंगडम वॉज एंड एंड संपूर्ण देव वॉज मेड दी किंग। ओके, देखिए मतलब वो ब्रजराज जो थे वो बहुत ही वीक रूलर था, तो फाइनली क्या हुआ, शुक्राचार्य उन्होंने अटैक किया जम्मू पे, उसको मार दिया। लेकिन मियान मोटो एक मतलब बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था, पहले उसने क्या किया, बचा लिया किंगडम को, और उसके बाद संपूर्ण देव जो था जो कि बेटा था ब्रजराज का, उसको राजा बनाया, और फाइनली जो रूल था वो 1798 AD तक उसने रूल किया। एंड आफ्टर हिम जीत सिंह वो गद्दी पे बैठा, ठीक है। अब जीत सिंह कौन था, जीत सिंह दलाल सिंह का बेटा था, ठीक है, जिसको मरवा दिया था। तो जैसे ही वो जीत सिंह गद्दी पे बैठा, उसके बाद जो जम्मू का मतलब जो गद्दी थी, जम्मू का जो रूल था, वो फाइनली पास हो गया सिख रूल पे, सिख रूल के हाथों में। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दलाल देव की जब डेथ के बाद उनका बेटा जो था वो पंजाब चला गया, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने उनकी हेल्प ली फाइनली। और जब जीत सिंह राजा बने, तो मतलब डायरेक्टली यू कैन से आर इनडायरेक्टली जम्मू का जो रूलिंग था वो सीधा सीधा सिख के हाथ में चला गया। और फाइनली अब पढ़ेंगे हम लोग सिख रूल को, अब ये फाइनल है आपका, ठीक है, सिख रूल के, सिख रूल इसका एंडिंग पार्ट है। तो सिख रूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। सो इनका जो रूलिंग पीरियड था 1808 में इनका रूलिंग पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या कि जम्मू जो था वो कंक्वर्ड बाय सरदार हुकम सिंह चीमी, और इसको फिर सिख किंगडम के साथ मिला दिया गया। प्रिंस खरक सिंह जो कि बेटे थे रणजीत सिंह के, उन्होंने इसको एज अ जागीर संभाला 1812 में। और उसके बाद द फेमस रणजीत देव जिनकी डेथ 4 अप्रैल 1782 में हुई थी, उनके तीन बेटे थे, एक कंसार देव, सूरज सिंह एंड बलवंत सिंह। सूरज सिंह के दो बेटे थे जोरावर सिंह एंड मियान मोटो। और फिर उसके बाद फ्रॉम जोरावर सिंह
डिसेंडेंट किशोर सिंह एंड आफ्टर हिम गुलाब सिंह, ध्यान सिंह एंड सुशेल सिंह, ठीक है, मतलब जोरावर सिंह के बाद इनके बाद ये लोग थे। इट वॉज यंग गुलाब सिंह हु वॉज द फर्स्ट डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा सरदार रणजीत सिंह सर्विस। ओके, सो अब मेन मुद्दे की बात शुरू होती है यहाँ से। कहा जाता है कि गुलाब सिंह जो थे वो पहले डोगरा फैमिली के ऐसे मेंबर थे जो महाराजा रणजीत सिंह की सर्विस में जिन्होंने पाँव रखा और जिन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की, ठीक है। और शुरुआत करते ही एंट्री के साथ ही रणजीत सिंह की सर्विस में जैसे उन्होंने कदम रखा, उसके बाद उनकी जो वीरता थी, वो जो चीज़ें थी, उन्होंने वहाँ डोगरा ब्रदर्स को सून वहाँ पर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है कि इन्होंने मतलब गुलाब सिंह ने अपनी इन सभी क्वालिटीज़ का प्रूफ दिया इन द बैटल ऑफ चच हजारू एंड हजरू, ठीक है। इस बैटल में इन्होंने सबूत दिया। फाइनली इस बैटल में इन्होंने अफगान्स को मतलब क्रश कर दिया, डिफीट कर दिया। और ये फाइट जो जो थी, ये बैटल फाइट हुई थी 13 जुलाई 1813 में नियर अटक। ओके, तो गुलाब सिंह ने बहुत ब्रेवली के साथ वो बैटल लड़ी और दस गुलाब सिंह को मतलब सेपरेटली मिलिट्री लीडर बना दिया गया उस टाइम पे। और इसी तरह से गुलाब सिंह को धीरे धीरे करके इनको ऑफिसर कमांडिंग बना दिया गया जम्बाल चविलरी का, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे जम्मू के, उनमें जो दुख था, रिसेंटमेंट जो थी, मतलब वो बढ़ने शुरू हो गई अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन बाय सिख ऑफिसर्स। क्योंकि सिख ऑफिसर्स उस टाइम पे क्या करते, ये लोग मतलब लोगों से मनी वगैरह लूटना इन्होंने शुरू कर दिया, पैसे वगैरह लूटना शुरू कर दिया, रोबरीज वगैरह शुरू कर दी हिली पीपल्स में। और फाइनली ये जो रिसेंटमेंट था, ये जो दुख था, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और मतलब एक फ्रीडम लविंग जो पीपल थे जम्मू के, उनके अंदर एक रिवोल्ट जो था वो मतलब जागने शुरू हो गया अगेंस्ट सिख। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिवोल्ट था ये मतलब सप्रेस नहीं हुआ। और फाइनली मियान मोटो, द फोर्स ऑफ रणजीत सिंह वॉज बींग टेरराइज बाय मियान डीडो, सॉरी मियान डीडो ने क्या किया, फिर एक एक यू नो एक एक यू कैन से एक बैटल स्टार्ट कर दी एंड सिख किंगडम के खिलाफ, ठीक है। और जितने भी लोकल लोग थे, इन्होंने मियान डीडो का साथ देना शुरू कर दिया। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि सभी जम्मू चीफ्स की सपोर्ट के साथ और डोगरा फॉलोअर्स की सपोर्ट जो थी वो मिलना शुरू हो गई मियान डोडो के डोडो को। और इसने फाइनली क्या किया, इसने सिख गैरिसन पे अटैक कर दिया इन जम्मू फोर्ट। ओके, उसके बाद बहुत सारी एक्सपेडिशंस जो थी वो इसने की अगेन सिख रूल। और फाइनली क्या हुआ, फिर गुलाब सिंह ने ये जो डिफिकल्ट टास्क जो था टू ऑफ राइडिंग द सिख रूल, इसको मतलब अपने सिर पे लिया। तो ही वॉज प्रोमिस्ड, ही वॉज प्रोमिस्ड जम्मू एंड जागीर फी। ओके, तो उसको कहा गया कि अगर तुम ये जीत जाओगे, मतलब गुलाब सिंह को कहा कि अगर तुम ये लड़ाई जीत जाते हो मियां डोडो के खिलाफ, तो आपको जम्मू जो है वो एक एज अ जागीर तोहफे में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह इंटरेस्टेड द रीजन ऑफ जम्मू जागीर टू गुलाब सिंह। फिर इन्होंने जम्मू जागीर जो थी फाइनली मतलब गुलाब सिंह ने उनको हरा दिया। और रणजीत सिंह ने क्या किया, ये जो रूल किंगडम था जम्मू का, ये एज अ जागीर प्रोवाइड कर दी किसको, राजा गुलाब सिंह को और उनके ब्रदर मियाँ ध्यान सिंह और सुजीत सिंह को, ठीक है। तो फाइनली मियाँ डोडो जो था मर गया वो, एंड वो उसकी डेथ हुई थी त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है। तो उसके बाद द एक्ट ऑफ ग्रेट मिलिट्री प्लग एंड वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ गुलाब सिंह कन्विंस्ड रणजीत सिंह ऑफ बीइंग द फिटेस्ट मैन टू पेस द अनरूलिंग एंड डिफिकल्ट प्रोविंस, ठीक है। मतलब इस तरह से एक एक वाइज जो भी यू कैन से मतलब एक सूझबूझ वाला जो प्रमाण था, ठीक है, साइड जो थी वो दी रणजीत सिंह को गुलाब सिंह ने। और देन उसके बाद 1820 में नॉट ओनली द प्रोविंस वॉज गिवन टू गुलाब सिंह, वॉज परमिटेड टू कीप एन। ओके, कहा जाता है कि 1820 में उनको सिर्फ प्रोविंस ही नहीं, मतलब जम्मू किंगडम ही नहीं, बल्कि उनको ये भी परमिट कर दिया गया कि तुम अपनी एक आर्मी रख लो भाई, ठीक है। और उनको राजा का टाइटल दे दिया गया। कब दिया था, 1820 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना।
और फिर उसके बाद गुलाब सिंह ने जब रियासी को कैप्चर किया, पुंछ, रजौरी, चनैनी, इन सभी जगहों को कैप्चर कर दिया, और मतलब लद्दाख, बलिस्तान, ये जितनी भी जगह हैं इन सबको उन्होंने कैप्चर किए, कैप्चर इन द सेंस की जीत लिया। ओके, देन उसके बाद सिख रूलर्स एट लाहौर, उसके बाद ही ओवर गॉट जागीर राइट ओवर मोस्ट ऑफ देम, और मतलब जितनी भी जगह उसने जीती थी वो उनको एज अ जागीर जो थी वो तोहफे में मतलब उनको प्रोवाइड कर दी, एज अ जागीर राइट उनको मिल गया। और जनरल जोरावर सिंह जो थे बेसिकली रियासी के, वो चीफ आर्किटेक्ट थे इन सभी विक्ट्रीज के, मतलब जितनी भी जीत उस टाइम पे ली थी वो सारी की सारी किनके अंडर हुई थी, जनरल जोरावर सिंह के अंडर। और 1818 से लेकर 1850 41 80 तक जितनी भी विक्ट्रीज हुई थी वो सारी की सारी इन्हीं के अंडर हुई थी। ओके, सो गाइज ये था आपका हिस्ट्री ऑफ जम्मू का पूरा फुल लेक्चर और था एंड, और सिर्फ यही कहूँगा कि आई डोंट थिंक कि इस तरह का लेक्चर सुनने के बाद आपको अब हिस्ट्री ऑफ जम्मू में कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसका जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।